वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? सहर। क्या करती हो? मैं जॉब के। ओके, मुझे बताओ कि एक बच्चा अफ्रीका में पैदा, अफ्रीका में, तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? आइडियली तो वाइट ही होना चाहिए। वाइट नहीं, उसके तो दांत ही नहीं होंगे। तालियां बजा। क्या सुनाओ? रेसिपी है पास्ता। सबसे पहले पास्ता और चिकन बॉईल कर लें और उसके बाद उसकी अलग से सॉस बनाने के लिए मक्खन में थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। साथ उसमें हम लोगों ने ऐड करना है ओरिगैनो। साथ दूध ऐड करके सॉस को इतना थिक कर लेना है कि उसमें पास्ता, और जब वो ऐड करें तो वो बहुत अच्छा पास्ता रेडी हो जाएगा। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। इन्होंने पास्ता की रेसिपी बताई, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल और वेरी इजी टू कुक, बहुत जल्दी से बन जाएगा, तो ज़रूर बनाएं और खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? मोहम्मद राशिद। आपका? कौन सी क्लास? टू। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ जी। क्या? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। वेरी नाइस। क्या बनना बड़े होके? बताओ जी। सोचा अभी? चलें, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चार हैं जी, तीन माशाल्लाह, एक बेटा है। सवाल करते हैं आपसे। जी मुझे बताएं, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। गलत। बोलती नहीं हो कुछ? बोलो। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। ये तो पजल है। पजल आई कांट डू। नहीं, यू कैन ट्राई करें। ई के बाद, ई के बाद तो वैसे तो अल्फाबेटिकली तो एफ आता है, लेकिन आप पता नहीं अब क्या क्या सुनाएंगे, पूछ रहे हैं एफ क्या सुनाएंगे। मैं जी मैसेज दूंगा कि हुकूमत जो है वो जो भी कानून या कवानीन नाफिज करती है, हम सबको उस पर अमल करके कामयाब बनाना है, और ट्रैफिक कवानीन ज़्यादा उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कौम में जो है वो जल्दबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जल्दबाजी इतनी बढ़ गई है कि वो ट्रैफिक कवानीन के ऊपर पाबंदी नहीं करते और एक दूसरे को धक्के दे के आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हमें अपने मुआशरे को सुलझा हुआ बनाने के लिए, दूसरी कौम को अच्छा मैसेज देने के लिए, वी हैव टू ओबे द लॉ। थैंक यू वेरी मच। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप आवर सो व्हाट सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया जी। इंग्लिश में ई के बाद क्या होता है? नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना आपको लगता है, बस थोड़ा सा दिमाग को लड़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक इशू आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये खाली मुझे, आई थिंक सबको होगा। ट्रैफिक बहुत ख़राब हो गई है लाहौर की। आई डोंट नो क्या हुआ है, सडन जब देखो रोड ब्लॉक्स। मैं जब निकलती हूँ घर से, सड़कें ब्लॉक होती हैं, हर जगह ट्रैफिक ब्लॉक है। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है, मगर कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो गया है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाइका। क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ती हो? आई कॉम। ओके, मुझे बताओ 100 रुपये के नोट पर 0 कितनी बार लिखा होता है? 2 times। नो। 1 के बाद ऑफ कोर्स। टोटल टोटल 2 times होता है। पूरे 100 के नोट पे एक दफ़ा तो नहीं 0 100 लिखा होता? सोचो 0, उसको तो काफ़ी टाइम्स होता है। बताओ। आई डोंट नो। टिप देती हूँ, ग्लेसरीन और नींबू और अरके गुलाब को मिक्स करें और हैंड्स पे लगाएं, खुश्की के लिए काफ़ी अच्छा होता है हैंड्स के लिए। उस मतलब कि हैंड पे काफ़ी दफ़ा खुश्की हो जाती है ना, तो वो ग्लेसरीन अरके गुलाब और नींबू को ऐसे मिक्सचर बना के उनका तो हैंड्स पे लगाएं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़बरदस्त। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने बहुत अच्छी टिप दी, ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और ग्लेसरीन के साथ लेमन करेंगे तो आपके हाथों पर शाइन भी आएगी। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? आयशा। क्या करती हो? ग्रेजुएशन किया, फ्री हूँ। अच्छा, मुझे बताओ लगातार 2 दिन बारिश क्यों नहीं हो सकती, इसके पीछे क्या लॉजिक? 2 दिन पूरे बारिश क्यों नहीं हो, इसकी कोई लॉजिक होगी? अच्छा,
रेसिपी बताऊंगी मैं कटलेट्स आलू के. चिकन और आलू को दोनों को मैश कर लें बॉईल करके, उसके अंदर नमक और काली मिर्च और ग्रीन चिली डाल दें, गार्लिक का पेस्ट वो भी डाल दें. इन सारों को मिक्स करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा के उसे फ्राई कर लें, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के आलू के कटलेट्स. टमाटो केचप के साथ सर्व करना. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम. जी इन्होंने रेसिपी बताई कटलेट्स की, ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी अच्छी है. और सवाल देने की कोशिश क्या करें, मैं एक ही बार रिपीट कर करके तंग आ गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. का नाम खदीजा. क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ. ओके, मुझे बताओ वो कौन सा जानदार है जिसके जो दांत हैं वो उसके पेट में होते हैं? फिश होते हैं पेट में, उनका कान भी होते हैं. स्नेक. पता नहीं. मैं आपको रशियन सैलेड की रेसिपी. अच्छा, रशियन सैलेड में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स और मैक्रोनी की ज़रूरत होती है. आपको उसके अंदर एप्पल, आलू, मटर, गाजरें और उसके अलावा मैक्रोनी, उसके अलावा आपने उसमें पाइनएप्पल यूज़ करना होता है. सॉस बनाने के लिए आपको सबसे पहले मायनीज में आपको थोड़ी सी चीनी ऐड करके उसको मिक्स करना होता है. साथ में आपने क्रीम लेनी होती है, उसके अंदर आपने ब्लैक पेपर ऐड करके उसकी भी सॉस तैयार कर लेनी है. दोनों को मिक्स करके उसके अंदर अपने सारी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी कट किए होते हैं चॉप करके उसके अंदर अपने ऐड करके मिक्स करके आप उसको फ्रिज में थोड़ी देर लगा कर इस खा सकते हैं. बड़ी अच्छी बनती है. वेरी नाइस. नाइस लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. जी रशियन सैलेड में आप क्रीम जो है वो किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपको किसी एक ब्रांड में जाएँ. क्रीम है बस ये देख लें वो एक्सपायर ना हो तो कोई भी क्रीम चलेगी. सामने का नाम आपका? नाजिया शहजाद. क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ. ओके, मुझे बताएं एक बच्चा है अफ्रीका में पैदा हुआ तो उसके दांतों का कलर क्या होगा? वाइट, येलो. उसके दांतों का कलर ऑफ वाइट. हाउस वाइफ है. इसके अलावा क्या एक्टिविटी है? मैं बच्चों को मैं स्कॉला वगैरह पढ़ाती हूँ. चल क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको रेसिपी दे दी हूँ आलू के कटलेट्स जो है, मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ. आलू जो है ना आप उसको बॉईल कर लें, आलू बॉईल करके उसके साथ आप चिकन बॉईल कर लें, मटर बॉईल कर लें. इन सब चीज़ों को जो है ना, तीनों चीज़ों को आप मैश करके ना तो मिक्स कर लें. उसके अंदर सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, काली मिर्च और चाइनीज़ नमक डाल दें और सादा नमक भी डाल दें. इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें. फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और पहले अंडे में डिप करें और उसके बाद जो है ना ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको जो है ना वो शैलो फ्राई कर लें तो आपके जो है ना ये फ्राई हो तैयार हो जाएं केचप में. और मैंने आपसे बात करनी है, हम डेली जो आपको ना, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं 5:30 बजे जाते हैं, वो शेखुपुरा से बाहर लाहौर से तो फैक्ट्री में, तो वो सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ उनके लिए. और डेली जब भी आपका प्रोग्राम लगता है हम शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं. मुझे आप बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. जी बहुत ही प्यारी खातून थी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात की. ओके लेट मी गाइड यू गाइस, जब सोया सॉस और चिली सॉस डालनी है तो उसके ड्रॉप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि आलू है, जब आलू उबालते हैं तो आलू नरम हो जाता है. अगर आप उसको ज़्यादा सॉसी कर देंगे तो वो कबाब नहीं बनेगा, वो जैसे आप फ्राई करके डालेंगे वो फैल जाएगा. सो इट्स अ कॉमन सेंस, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपने वो ऐड करनी है. इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई है. पता है अगर आप ऐसे एपेटाइज़र घर में बना के रखेंगे तो आप घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, थोड़ा सा आप फ्राई करके खा लें तो अच्छा लगता है टेस्ट के लिए, तो ज़रूर ट्राई करिएगा. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपका नाम? सजीला बी. आपका नाम बेटा? आयशा खान. मोहम्मद तहमद. माशाल्लाह बड़ी प्यारी आँखें हैं आपकी. ओके क्या करते हैं? मेरा एक गारमेंट्स का बिजनेस है और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासतौर पर पर्टिकुलरली जो आजकल कंपेन चल रही है हमारे जो इमरान खान और चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. हमारी आइंदा आने वाली नस्लें इसमें महफूज हैं और इसमें दिल खोल के लें और पानी को कम से कम ज़ाया करें और दुआ करें कि डैम जल्द जल्द बने. माशाल्लाह. चलें सवाल करते हैं. जी. वो क्या चीज़ है जो हम कान से निकाल के खाते हैं? कान से निकाल के खाते हैं, मेरे ख्याल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है.
کوئلے کی، یا تو ایک کوئلے کی کان ہے ایک ہمارے اپنے کان ہے، ادھر سے تو کچھ نہیں نکالتے، کھاتے ہیں اور بہت روز کھاتے ہیں، کان سے نکال کے کھاتے ہیں. اچھا آپ بھی سوچو، آپ کے ذہن میں ہے نکال کے کھاتے ہیں. چلو کیا سناؤ گی؟ سانگ دل دل آپ ہی سناؤ. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی ہے یہ روشنی چلتا رہے گے کانواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ویری نائس، لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے، بہت شکریہ. جی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ، اور آپ لوگ کان سے نکال کے کھاتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں، گارنٹی دے رہی ہوں، میں بھی کھاتی ہوں، سب کھاتے ہیں، ہماری مجبوری ہے اس کو کھانا، اگر ہم اس کو کھائیں گے نہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کھا پائیں گے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لینی پڑے گی آپ سے اجازت، آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی مزہ آتا ہے مجھے. خیر بہت شکریہ اتنی تعریفوں کے لیے جو آپ میری کرتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اور جو فیشن کی آپ مجھ سے آ کے ایک ہی سوال بار بار کرتے ہیں، میں آپ کو 10 دفعہ بتایا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ کہتے ہیں مجھے جو جوڑا میں نے پہنا ہوتا ہے اس کی وارڈروب شروع میں چل جاتی، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا جوڑا ہے. اور اس کلیکشن کے لیے تھینک یو، آپ میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں، بہت شکریہ. چلے اب میں آپ کو بتاؤں، اور خوبصورت بھائی، خوبصورت لگنے کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ ہے خوش رہو، خوش رہو گے خوبصورت لگنے کے لیے، میرے پاس یہی ٹپ ہے کہ خوش رہو. میں بہت خوش رہتی ہوں الحمدللہ، الحمدللہ اس کا کریڈٹ میں دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو، میں جب بھی خوبصورت لگتی ہوں اس کے پیچھے صرف ان کا ہاتھ ہے، ہارون کا، کیونکہ وہ مجھے اتنا خوش رکھتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ کے جو چہرہ ہوتا ہے نا وہ آپ کی تمام پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا جو آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، میں نے اس کے آپ کو اینڈ میں جواب دینے تھے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں آج جو میں نے سوال کیے جن کے جواب آپ لوگ نہیں دے سکے وہ بتا دیتی ہوں. اچھا وہ کون سا جاندار ہے جس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور ہم اسے، سوری کیڑے کہہ رہی ہوں، جس کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں اور ہم اسے کھاتے ہیں، تو وہ ہے کریب، کیکڑا. کیکڑا اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ کھائیں، پر میں تو کہوں گی نہ ہی کھائیں، بیچارے پہ کیا ظلم کرنا چھوٹا سا ہوتا ہے. پر اگر آپ سی سائڈ پہ جائیں نا تو وہ خاص طور سے امریکہ میں وہ آپ کے پاؤں پہ آ کے چپک جائے گا، اور بھائی گاڈ اتنی زور کی کاٹتا ہے وہ، تو یہ آپ تھوڑا اپنا خیال رکھیں. اور دوسرا آپ کا جو آج کا سوال ہے کہ ایک بچہ جو افریقہ میں پیدا ہوا ہے اس کے دانتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے، بچہ پیدا ہوتا تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس سے کامن سینس. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے وہ لڑکی تھی ود ریڈ ہیئرس، ریڈ تو نہیں کہوں گے مرون، اور اچھا سا گانا سنایا تھا اس نے، وہ گانا سنایا تھا جب کوئی بات بگڑ جائے. اپنا خیال رکھیں، بوجھو تو جیتو، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار شام کو 7 بجے دیکھیں، جو اگلی صبح 5 بجے اور 11 بجے رپیٹ ہوگا، دیکھنا مت بھولیں. مجھے اپنی ہوسٹ الینا ہارون کو ایسے ہی پیار کرتے رہیں، اور کوئی بھی کوئری، کوئی بھی بات ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، بوجھو تو جیتو لکھے فیس بک پہ، آفیشیل پیج آئے گا وہاں پہ پوچھیں، لاہور نیوز ایچ ڈی کا پیج ہے وہاں پوچھیں، نہیں تو میرا پرسنل پیج ہے آئی ایم الینا ہارون، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈن، وہاں پہ پوچھیں، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو آنسر کر سکوں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.